दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसका आज यूनिट नंबर 9 है। बैंकिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ऐसे करके पार्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ, यहाँ फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाला हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है रिकॉन्सिलिएशन। तो रिकॉन्सिलिएशन से आप क्या समझ में आता है, आपको क्या होता है रिकॉन्सिलिएशन? हम रिकॉन्सिलिएशन को बोल सकते हैं एक तरीके से, आप चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उतना ही हो रहा है चीज की नहीं जितना होना चाहिए, है ना। अगर रिकॉन्सिलिएशन का मतलब समझें तो आप एक तरीके से चेक कर रहे हैं उतना होना चाहिए जितना आपको लगता है उतना होना चाहिए। ये एक रफ भाषा में मैंने आपको समझाया। और अगर हम अकाउंटिंग की भाषा में बोले तो इसका मतलब है टैली करना अकाउंट को, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ टैली करना। अगर जितना रुपए यहां डेबिट हुआ है किसी एक अकाउंट में उतना ही रुपए दूसरी जगह क्रेडिट होना चाहिए। तो बेसिकली इसका काम क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये है कि टैली करना होता है इसका काम, ठीक है। यानी अगर ए और बी है, अगर यहां पर 100 रुपए माइनस हुआ तो यहां पर 100 रुपए इसको प्लस होना चाहिए, तो डेट मीन्स दोनों इक्वल टू हो गया, ये हो गया टैली, ठीक है, बराबर हो गया, टैली कर गया ना जी। तो ये चीज होता है, इसका कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे टेली किया जाता है एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ, सेम अमाउंट का हम डेबिट करेंगे, अगर इतना है सेम अमाउंट का डेबिट होगा तो सेम अमाउंट का यहाँ पे क्रेडिट करना है, दैट इज नॉन एज रिकॉन्सिलिएशन। इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। टू टेली वन अकाउंट विद अनदर अकाउंट टेली वन अकाउंट विद अनदर अकाउंट, ठीक है। इसका काम क्या है रिकॉन्सिलिएशन का, टू टेली वन अकाउंट विद अनदर अकाउंट। दूसरा काम क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ अकाउंट डेबिटेड शुड बी क्रेडिटेड टू अनदर अकाउंट ऑफ सेम अमाउंट। आया समझ में? तो पहला क्या है कि आप टेली कर रहे हैं एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ, फिर सेम अमाउंट का जो सेम अमाउंट का जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो उतना ही सेम दूसरा अकाउंट जो होगा उतने सेम अमाउंट का क्रिएट करो। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने इसलिए आपको ये से समझाने का कोशिश किया है। अब आइए, प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, मतलब जो प्रिंसिपल अप्लाइज होता है कैश अकाउंट में। इसमें एक दो चीज होता है, बैंक अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, दो तरह के अकाउंट होती है। तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, पहले हम कैश अकाउंट पढ़ेंगे फिर हम बैंक अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। या जो बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पहला पॉइंट बनाइए। दूसरा पॉइंट बनाइए, जो आप कैश अकाउंट की बात कर रहे हो, नेचुरल सी पता है हम लोग यही जानते हैं कि पैसा निकलता है तो उसको डेबिट बोलते हैं, पैसा आता है तो क्रेडिट बोलते हैं, बट ये चीज पासबुक में होता है, ठीक है, यहां उल्टा होता है। तो यहां क्या होता है, जो पैसा आएगा, ठीक है, जो कैश अकाउंट में जो आया वो डेबिट हो गया, जो गया वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल क्या है आप बोल सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपको थोड़ा सुनने में उल्टा लगेगा पर ऐसे ही होता है कैश बुक में, ठीक है। कैश अकाउंट है या आप इसको दूसरे भाषा में हम लोग कैश बुक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, कैश अकाउंट कैश बुक। तीसरा चीज होता है, आप नाम सुनेंगे या हम इसको एक चीज और बोलते हैं दूसरा, या आप ये भी बोल सकते हो, ये
एक इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए डेबिट को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे। डेबिट का मतलब होता है डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। डेबिट कौन है? रिसीवर है यहां पे, जिसको पैसा मिल रहा है। क्रेडिट कौन है? जो पैसा दे रहा है। ठीक है, हमें याद रखना है डेबिट को हम लोग रिसीवर बोलते हैं, क्रेडिट को हम लोग गिवर बोलते हैं। तो एक लाइन में इसको भी आप लिख लीजिए यहां पे कि जो प्रिंसिपल अप्लाइड टू द बैंक अकाउंट इन कैश बुक इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्रिंसिपल क्या अप्लाइड होता है बैंक अकाउंट में, खास करके कैश बुक में, वो है डेबिट रिसीवर और क्रेडिट करना है गिवर को। सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात को हम बढ़ाते हुए एग्जांपल से समझेंगे पॉइंट नंबर थ्री को। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्या है, बोलते हैं कि कोई भी चेक अब जमा करते हैं अकाउंट में, ठीक है, तो यहां डेबिट एंट्री हम पास करेंगे कैश बुक में। ठीक है, और जब कभी पैसा निकालेंगे तो चेक इश्यू करेंगे तो क्रेडिट एंट्री पास होगी आपकी कैश बुक में। समझ में आई बात? इसको आप एग्जाम्पल से लिखिए कि इसमें ऐसा कर लीजिए, पॉइंट वन बना लेते हैं हम लोग यहां पे, लिखिए व्हेन एवर एनी कैश और चेक इज डिपॉजिटेड, ठीक है, इन द बैंक अकाउंट ठीक है, डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, तो हम लोग बोल सकेंगे क्या, इट इज पोस्टेड एज डेबिट एंट्री इन कैश बुक। कौन सा एंट्री है? डेबिट एंट्री है। क्या कर रहे हो? कैश या चेक को जमा कर रहे हो तो डेबिट एंट्री होता है, नहीं तो पासबुक में क्या होता है, ये क्रेडिट हो जाता, वहां उल्टा होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बोल सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैश बुक है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आपका कैश बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट नंबर टू लगा दीजिए कि वेन एवर कैश इज विड्रॉन और चेक इज इश्यूड, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कैश बुक में। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। आई समझ में? जब कभी आप कैश को निकालते हो या चेक को आप इश्यू करते हो तो नेचुरल सी बात है जो बैंक अकाउंट होती है वह क्रेडिट होगी कैश बुक का। हमें याद रखना है, तो यहां पे क्या करोगे, क्रेडिट एंट्री पास करोगे कैश बुक में। ठीक है, अब आइए चौथा चीज। हमें से याद रखिएगा, हम लोग जो बैंक अकाउंट यहां पे बात कर रहे हैं ये दो पर्सपेक्टिव में है, एक तो पासबुक होता है जो समझते ही होंगे, और दूसरा जो होता है एक होता है कैश बुक होता है। ठीक है, हमें से याद रखना इस चीज को, हम लोग यहां पे दो पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथा चीज है पासबुक।
अब पासबुक से क्या समझते हैं आप? पासबुक कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। क्या स्टेटमेंट है ना, पूरा क्या क्या पैसा निकाला ब्योरा है उसमें, है ना, ब्योरा हम लोग बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और पासबुक बिल्कुल उल्टा होता है कैशबुक का, ये भी याद रखना है। हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर इमेज है पासबुक। क्या है पासबुक? इज मिरर इमेज, या बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ कैशबुक। अब एग्जांपल समझते हैं हम लोग, यही एग्जांपल है, ठीक है। सेम एग्जांपल पे हम लोग जाएंगे पासबुक, सेम एग्जांपल ले लीजिए। अब हम लोग खाली यहां क्या करेंगे, पासबुक लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर कैश जमा हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, बस यहां पर क्रेडिट एंट्री हो जाता है। नेचुरल सी बात है ना, आप क्या देखते हो, जब पैसा बैंक में जमा करते हो तो क्रेडिट में दिखता है, पैसा आपके अकाउंट में आए तो क्रेडिट एंट्री हो गया वो, ठीक है। बट अगर वही पासबुक में रहता तो डेबिट एंट्री होता। उसी तरीके से जो पैसा आप निकाल रहे हो, चेक इश्यू कर रहे हो, तो अब यहां पर क्रेडिट दिखा रहा है, यहां पर आपको डेबिटेड होगा, या डेबिटेड, या बोल सकते हैं डेबिटेड इन द, दिस इज कैश बुक है नॉट पासबुक, ठीक है। तो ये पासबुक में डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा, यही चीज अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं था इस पे, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा यहां पे ये बात को पकड़ना है और समझना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो जो मैंने पॉइंट बताया है, कृपया करके प्लीज कॉपी पे अपना नोट डाउन कर दीजिए, बिना लिखे कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे, ओके। यहाँ पे हमारे पास जैबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे, सिंपल बोलूंगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज चाहिए, वह फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूंगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूंगा ये कोर्स करने के लिए, सबसे ज्यादा सेलिंग पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन में के 13500 सेंटर क्वेश्चन में के, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, पेपर टू करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये, पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।